अब देखे मैं 70 पे हूँ और इस वक्त इसने खप मचाई हुई है। अच्छा एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी वो ये कि इसका पिछला ड्रम बहुत बड़ा है, वो काफ़ी बड़ा कर दिया, इसलिए इसकी थोड़ी सी जो पिछली ब्रेक है ना वो बेहतर हुई है, ड्रम बड़ा है इसका। बाकी जो इसका फ्रेम श्रेम है वो मुझे तो एग्जैक्ट वही लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, फ्रंट से भी वैसा ही है सारा, देयर इज़ नो डिफरेंस, और इधर से भी बस सेल्फ लगा दी है और ये अंदर गियर के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की है कंपनी ने। बाकी ऑल दो ये बेसिक वैसा सीजी ही है, कोई ख़ास और फ़र्क नहीं है, टायर भी वही आते हैं जो पहले आते थे, मेरा ख्याल है सर्विस का टायर है या सर्विस है। साउंड थोड़ा ना डिफरेंट है इसका पहले से, उन्नीस बीस का वैसे फ़र्क है, इतना फ़र्क भी नहीं लग रहा मुझे। ठीक है ये देखो ना सीट बहुत ज़्यादा इसकी हार्ड सीट है, बहुत हार्ड सीट है, अब यहाँ ना खड्डों में देखे ना किस तरह उछलेगा, देखे हर चीज़ इसकी हिलना शुरू हो जाती है और पूरा बंदा भी पूरा बंदा हिलना शुरू हो जाता है। अब मेरी पिछली जो वीडियो जीडी वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, जीडी में मतलब ये जीडी जंप सहती है तो वो सहने चाहिए इसको, क्योंकि ज़रा स्टिफ सस्पेंशन है ना इसलिए ये वो सहती नहीं है। हालांकि जो बनैली है मेरी TNT, जारी बात है मैं उसका इसके साथ कोई मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ कि उसके टायर भी बड़े लो प्रोफाइल हैं और उसके बावजूद उसकी सस्पेंशन सॉफ्ट है जो होनी चाहिए सॉफ्ट। अब उस दिन मैंने GD इस इधर टेस्ट की थी, ये जो उन्होंने कट की हुई ना रोड उसके ऊपर GD बड़ी अच्छी परफॉर्म की थी। अब इसको मैं देखता हूँ, जबकि ये जो है ना ये डोलना शुरू हो जाता है और ये बड़ा डेंजरस है इसका काम। ये बड़ा ख़तरनाक काम है इसका, मैं वो उस तरफ चलता हूँ सर्विस लेन में दूसरी वाली में। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये होंडा ने बस पता नहीं क्या किया यार, क्या कहे बंदा होंडा को। असल में वो जो अच्छी प्रोडक्ट कोई देते हैं वो हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोगों को जनाब बस पिक 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 ही चाहिए होता है, जबकि मैं वो पिक वाला बंदा नहीं हूँ। और टू बी ऑनेस्ट बात करूँ कि मुझे कोई पिक इसकी कोई इतनी एक्सट्रीम भी नहीं लगी कि जनाब बस जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, हर चीज़ यार पिक नहीं होती है, मैं ये समझता हूँ। ड्राइव भी कोई चीज़ होती है, कम्फर्ट भी कोई चीज़ होता है। ये ठीक है अपना, इसका एक वक्त था CG का, अब नहीं, अब आगे बढ़ना चाहिए। अब और भी मोटरसाइकिल आ गई हैं हमारे मुल्क में, अल्लाह का शुक्र है, जो इससे बहुत बेहतर है। निचले RPMs में थोड़ी सी वाइब्रेशन कम है, लेकिन ऊपर जाके वाइब्रेशन फिर वैसे ही हो जाती है इसकी। अब पता नहीं, क्योंकि मैं जारी बात है वो TNT 2.5 चलाता रहता हूँ अपनी, तो वो मुझे इसका जो पिक है ना वो कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा। ये आप नॉर्मल CG वाले ही बता सकते हैं कि जी इसका ज़्यादा है उससे या कम है, मैं मतलब इसको डिस्क्राइब नहीं इस चीज़ को कर पा रहा। मेरी नज़र में कोई ख़ास पिक नहीं है, बस मतलब वो अगर मैं 125 CC, क्योंकि मुझे चलाए को बहुत टाइम हो गया, मैंने सादा CG भी बहुत अरसा हो गया छोड़ दिया हुआ, तो ये इसकी एक काफ़ी रक हो देखा व्यूज़, मैंने फिर वही गलती की है, मैं एक तो भूल जाता हूँ ना। अच्छा मैं बात कर रहा था कि ये इसकी असल हकीकत वही बता सकते हैं जो सादा जिनके पास CG है वो चला के बताएंगे।
अब देखे ना यहाँ पे मैंने ये रैप किया, कितनी वाइब्रेशन आई है इसके अंदर कि मैं बता नहीं सकता आपको। और सस्पेंशन तो अल्लाह माफ़ करे जो उछाल उछाल के बंदे को मार देती है। सिटी राइड्स के लिए बस है कि आप जी सब्जी सुब्जी और ये काम कर रहे हैं तो और कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी अगर आपने इंजॉय करना है तो मेरे ख्याल से बंदा GD ले ले या बंदा यामा ले ले। अब यामाहा भी जो YBZ है ना, मैं उसको भी अब चलाऊंगा और उसके बाद उसके भी किसी नतीजे पे मैं निकलूंगा कि वो कैसा है चलने में। यहाँ से अब आगे से रोड बेहतर है, वहाँ चलते हैं। मेरी नज़र में तो इसकी जो चीज़ जेन में आती है वो यही है सिर्फ कि भाई ये सलंसर पे बिकता है मोटरसाइकिल, साउंड पे, और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। ठीक है इसकी रिलायबिलिटी भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिलायबल नहीं है, है। ये रिलायबल इसमें इसीलिए कि इसमें है क्या जो कि कोई अनरिलायबल चीज़ हो ना, तो कोई कह लें कि कोई एडवांस चीज़ लगी हुई है, मतलब बस वही यार। मैं तकरीबन इस मोटरसाइकिल को 30 साल से देखता आ रहा हूँ, मेरी ये जब 30 इयर्स हो गई है और मैं 30 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, ये पता नहीं कितना पुराना है उससे भी, आज तक वही चलाई जा रहे हैं बस, और आवाम के ले जा रही है वो, इसलिए बस मेरा ख्याल है लेते हैं साउंड की वजह से। और 125 cc में सबसे चीप अभी भी यही है, मतलब मैं पैसों वाइज बात कर रहा हूँ कि सबसे सस्ता यही मिलता है 125 cc में, तो वो मेरा ख्याल है कि उस वजह से लोग जो है ना इसको लेते हैं। अब आप ये ना कमेंट्स में कहिएगा जी बुराई कर रहा है, नहीं मैंने वो चीज़, अब ये देखो किस तरह उछाल रहा है इधर मुझे, मैंने वो चीज़ बताई है जो मैंने फील की है कि इससे फार बेटर और फार कंफर्टेबल मोटरसाइकिल्स हैं हमारे पास अवेलेबल पाकिस्तान में। लेकिन यस, आपको क्या नहीं मिलेगा उनमें, एक तो साउंड नहीं मिलेगा, वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो साउंड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये जो एकदम इनिशियल जो पिकअप है ना CG का, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी ऑल दो आप उसको भी, वो भी मोटरसाइकिलें भागती हैं और वैसे भी यार भगा के कहाँ जाना है आपने। ब्रेक इसकी बेहतर की है बहरहाल, इसकी पिछली जो ब्रेक है ना वो बेहतर है। और अगर मैं इसको रखूँ ना, मतलब 5 या 5.5-6 हज़ार RPM, ओहो, तो 5 या 5.5-6 हज़ार RPM पे तो वहाँ पे इसकी वाइब्रेशन जो है ना कम है। लेकिन मुझे जो अभी भी फील हुआ है वो ये हुआ है कि ये भाईजान छठा गियर भी डिमांड करता है, इसको 6th गियर भी चाहिए, जो कि लोग 4th गियर वाला जो 4 गियरों वाला CG था उससे ये चीज़ डिमांड कर रहे थे कि उसमें 5वां डालने के बाद वो जो टॉप पे जाकर रोना शुरू हो जाता है जैसे ये भी रोता है, तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कि जनाब लोगों को 5वां गियर मिल जाए इसके अंदर तो उसमें ये हो कि वो रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है इसमें रिलैक्स होने वाली। सेम चीज़ है, बल्कि ऊपर जाकर तो पता नहीं ज़्यादा पिट रहा है ये। अब देखें मैं 70 पे हूँ और इस वक्त इसने खप मचाई हुई है नीचे और गियर 5वां ही है। अब मैं 70 पे हूँ और RPM तकरीबन इसका 7,500 पे है। अब मैं 80 पे आ गया हूँ और RPM 7,000 पे, जो कि ज़्यादा RPM इसका 80 के ऊपर तकरीबन 5,500 होता तो शायद ये खप कम मचाता और क्रूज़ ज़्यादा अच्छा। अब और अब इस वक्त जो है ना फुल टाइम हाथों पे मक्खियाँ चुभ रही हैं, इवन लीवर तक देख ले किस तरह कांप रहा है। तो बहरहाल जी वीडियो ख़त्म करते हैं, ये वही CG है तकरीबन, कोई फ़र्क नहीं है इसमें ख़ास, आपको सिर्फ जो है ना पहले और दूसरे गियर में थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है। वो इसलिए ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि इसके गियर छोटे हैं, इन्होंने 5वां गियर डाल दिया है लेकिन गियरों की जो रेशो है वो कर दी है छोटी, जिसकी वजह से चीज़ ये वही है, लेकिन उसकी वजह से इसका पहला और दूसरे गियर में थोड़ा सा पिक ज़्यादा है। वो भी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मुझे तो इसका पिक लग ही नहीं रहा फिलहाल, वो भी एग्जैक्ट वो लोग बता सकते हैं जो सादा CG यूज़र हैं और वो इस पर आएँ तो वो बता सकते हैं कि ज़्यादा है या कम है।
तो लेकिन अभी मैं जो फीलिंग डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि गियर छोटे हैं तो इसका पहले दूसरे गियर में जो टॉर्क है वो ज़्यादा है उससे, लेकिन ऊपर जा कर ये फारग है, ऊपर जा कर ना ये भाग रहा है वैसे और शोर भी वैसे ही मचा रहा है जैसा सादा सी जीप मचाता है। तो व्यूज़ ये थे मेरे थाट्स। जो सी जी लवर है मैं दोबारा कह रहा हूँ कि काइंडली वो इस चीज़ से ना घबराएँ, उनको अगर ये पसंद है तो वो बिल्कुल लें, मुझे उस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है। मैंने वैसे अपनी एक ओपिनियन शेयर की है कि मुझे इसमें और पहले वाले में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा, जो कोई दो चार चीज़ें बेहतर हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि वो बेहतर है। यस, जो सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो सेल्फी है, और कुछ नहीं है इसके अंदर ख़ास। तो व्यूज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर हूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि YBZ हमें कोई मिल जाए तो हम उसको भी चला के देखें, ताकि मैं इसका और उसका प्रॉपर आपको बता सकूँ कि ड्राइव वाइज कौन सा बेहतर है। लेकिन मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ड्राइव वाइज जो YBZ है वो इससे बेहतर होगा, उसका कम्फर्ट ज़्यादा होगा, उसकी क्रूजिंग अच्छी होगी इससे। तो ठीक है व्यूज़, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।